सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती है, मगर दूसरी तरफ बेटियों को अपराधियों के चंगुल से बचाने की स्कीम यानी निर्भया फंड का पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने खुद ये जानकारी दी। कौन भूल सकता है 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात जब राजधानी दिल्ली में निर्भया वहशी दरिंदों का शिकार बन गई। फिर से देश में किसी बेटी की हालत निर्भया जैसी ना हो, इसलिए कानून में बदलाव किए गए। सरकार ने देश की बेटियों को अपराधियों के चंगुल से बचाने के लिए निर्भया फंड बनाया। बेटियों को बचाने में सरकार कितनी उदासीन है, इसका पता निर्भया फंड की हालत देखकर लग जाता है। सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और राज्यों की योजनाओं के लिए फंड तय कर दिया, मगर ज्यादातर योजनाओं के लिए पिछले 4 साल में या तो फंड बिल्कुल ही नहीं दिए गए या फिर खानापूर्ति के लिए ही फंड दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए लगभग 322 करोड़ रुपए रखे गए, मगर पिछले 4 साल में सिर्फ 273 करोड़ रुपए ही रिलीज किए गए। सेंट्रल विक्टिम कॉम्पेंसेशन फंड के लिए 200 करोड़ रुपए थे, इसमें पूरी रकम रिलीज कर दी गई। इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए 324 करोड़ रुपए रखे गए, मगर पिछले 4 साल में इसके लिए एक भी पैसा रिलीज नहीं किया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए करीब 83 करोड़ रुपए प्रस्तावित हुए, मगर इसके लिए भी एक भी पैसा रिलीज नहीं किया गया। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए 196 करोड़ रुपए रखे गए, मगर पिछले 4 साल में इसके लिए सिर्फ 95 करोड़ रुपए दिए गए। इसी के तहत छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए 29 करोड़ रुपए रखे गए, लेकिन इस मद में भी एक भी पैसा रिलीज नहीं किया गया। दिल्ली में सोशल वर्कर्स और काउंसलर्स के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए, जिसमें सिर्फ लगभग 1.5 करोड़ रुपए ही रिलीज किए गए। दिल्ली के नानकपुरा में वुमेन एंड चिल्ड्रन स्पेशल यूनिट की नई बिल्डिंग के लिए करीब 24 करोड़ रुपए रखे गए, मगर पिछले 4 साल में सिर्फ 2 करोड़ 35 लाख रुपए ही रिलीज किए गए। ओडिशा के भुवनेश्वर और कटक के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 110 करोड़ 35 लाख प्रस्तावित किए गए, मगर एक भी पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए रिलीज नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस की सेफ्टी ऑफ वुमेन स्कीम के लिए 10 करोड़ 20 लाख रुपए में से सिर्फ 3 करोड़ 38 लाख रुपए ही रिलीज किए गए। CFSL चंडीगढ़ में स्टेट ऑफ द आर्ट DNA लैब के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए रखे गए, मगर अभी तक इसके लिए एक भी पैसा रिलीज नहीं किया गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए करीब 2920 करोड़ रुपए रखे गए, मगर पिछले 4 साल में इन शहरों के लिए एक भी पैसा केंद्र सरकार ने रिलीज नहीं किया। रेल मंत्रालय के तहत इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित थे, मगर पिछले 4 साल में सिर्फ 150 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। यही हाल महिला और बाल विकास मंत्रालय का है। वन स्टॉप सेंटर के लिए प्रस्तावित 867 करोड़ 74 लाख रुपए में से पिछले 4 साल में सिर्फ 109 करोड़ रुपए ही रिलीज किए गए हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ विमेन हेल्पलाइन के लिए प्रस्तावित करीब 156 करोड़ रुपए में से सिर्फ 26 करोड़ रुपए ही दिए गए। 7 राज्यों में महिला पुलिस वॉलंटियर्स के लिए प्रस्तावित 27 करोड़ 76 लाख रुपए में से 10 करोड़ 64 लाख रुपए रिलीज किए गए। चिराली प्रपोजल के लिए प्रस्तावित 10 करोड़ 20 लाख में से सिर्फ 2 करोड़ 76 लाख रुपए ही रिलीज किए गए। महिलाओं के लिए फ्री फ्रॉम वायलेंस कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ 74 लाख में से 1 करोड़ 5 लाख रुपए रिलीज किए गए। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के लिए प्रस्तावित 72 लाख में से 32 लाख रुपए रिलीज किए गए। नागालैंड में निर्भया शेल्टर होम के लिए प्रस्तावित 2 करोड़ 84 लाख में से 2 करोड़ 55 लाख रुपए रिलीज किए गए। संसद में बताए इस सच का अर्थ यही है कि महिला सुरक्षा पर वादे ज्यादा हैं और काम कम। इसरार अहमद शेख की रिपोर्ट, गो न्यूज़।